शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रहा है। स्वयं गणेश जी महाराज ने पूछा, स्वयं गणेश जी महाराज अपने माता पिता से पूछ रहे हैं, अपने माता पिता से कहा, उन्होंने कहा आज मेरे माता पिता, आज मेरे माता पिता, मेरे शंकर, मेरे पार्वती, मेरे शिव, माँ जगत जननी, आज सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? आज प्रातः के समय पर ब्रह्म मुहूर्त में आखिर ये कहाँ जा रहे हैं? किस जगह? शिवजी तो कुछ नहीं बोले, पर माता पार्वती जी ने तुरंत उसी समय पर श्री गणेश जी महाराज जी से कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी की जो जटा है ये बहुत उलझी हुई है, मेरा मन है कि मैं इसको सुलझा दूं। अब तो गणेश जी महाराज जो ठाका लगाकर हंसे, ऐसा तीव्र ठहाका गणेश जी ने लगाया कि पार्वती जी स्तुप्त रह गई गणेश जी को देखकर। विनायक, गणेश तुम हंस रहे हो? हां मां, क्यों? गणेश जी ने कहा, मां जितनी जटा उलझी हुई है उतने पिताजी उलझे हुए हैं। तुम जटा सुलझा सकती हो पर पिताजी को नहीं सुलझा सकती। बहुत कठिन है सुलझाना। पार्वती जी भी जिद पकड़कर बैठी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए आज भोलेनाथ जी की जटा में सुलझा के रहूं। शिवजी की जटा मुझे सुलझाना है, मतलब सुलझा। अब गंगा जी के घाट पर पहुंच गए भगवान शिव और पार्वती। पार्वती जी और शंकर जी दोनों गंगा जी के जल में प्रवेश कर गए और गंगा जी के जल में शिव पार्वती दोनों प्रवेश कर भगवान शंकर और पार्वती जब गंगा जी के जल में प्रवेश कर बैठे, पार्वती जी ने उनकी जटा खोलना प्रारंभ करी। जटा की मात्र एक लट, जटा की मात्र एक लट जटा का पार्वती जी ने खोली, केवल एक लट। शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण की कथा कहती है, कुर्म पुराण की कथा कहती है और स्कंद पुराण की कथा कहती है। शिवजी की केवल एक लट को पार्वती जी को सुलझाने में हजार वर्ष लग गए थे। कितना वर्ष लगा था? हजार वर्ष केवल शंकर जी की एक जटा की एक लट को सुलझाने में पार्वती जी को 1000 वर्ष लग गए। हजार वर्ष निकल गए पर वो लट नहीं सुलझी। बहुत एक प्रसंग आप लोगों ने सुना होगा,
आपके स्मरण में आएगा। राधा जी का एक भजन आप लोगों ने सुना है, वो भगवान कृष्ण से कहती हैं महाराज, उलझी लट सुलझा जइयो मोहन मेरे हाथ में, उलझी लट सुलझा जइयो मेरे हाथ में। राधा जी भगवान कृष्ण से कह रही हैं कि मेरी उलझी हुई लट को सुलझा दो, मेरे हाथ में मेहंदी लगी। देवी भागवत पढ़ी है आपने से किसी ने? एक बार मौका मिले तो गीता प्रेस गोरखपुर की देवी भागवत पढ़ो, एक बार मौका मिले तो गीता प्रेस गोरखपुर की स्कंद पुराण पढ़ो, एक बार मौका मिले तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण को पढ़ो, लिंग पुराण को पढ़ो। उसमें एक संवाद मिलता है कि ये कृष्ण और राधा कौन है। राधा और कृष्ण कौन है? कृष्ण स्वयं पार्वती है और राधा स्वयं शिव है। यह हमारी देवी भागवत के अंदर स्पष्ट लिखा है, स्पष्ट कि राधा शिव है और पार्वती जी कृष्ण है। ये देवी भागवत के अंतर्गत रहे। अब जब शंकर भगवान स्वयं राधा जी के रूप में हो गए और पार्वती जी स्वयं कृष्ण के रूप में हो गई तो वो कह रही हैं कि मेरी उलझी लट सुलझा दो। क्यों? सतयुग में ना जाने कितने कितने युग निकल गए, किसी युग में भगवान शंकर की जटा को सुलझाने वाला कोई जन्म ही नहीं लिया। ना जाने कितने कितने युग चले गए पर शिव जी की जटा सुलझ नहीं पाई। कितने युग, कितने शंकर भगवान की जटा नहीं सुलझ पाई। सतयुग निकल जाए, त्रेता निकल जाए, द्वापर आ जाए, द्वापर में राधा और कृष्ण के रूप में भी शंकर पार्वती हो गए तो भी कह रहे हैं कि लट सुलझा के बता दो। कर बहुत कठिन। हजारों वर्ष माता पार्वती जी को शंकर जी की लट को सुलझाने में लग गए, हजारों वर्ष। संत साधु गुरुजन तपस्वी साधक उपासक सब हाथ जोड़ जोड़ के निवेदन करते रहे माता पार्वती जी से कि ये महादेव के मस्तक की जो लट है ये सुलझ नहीं सकती। पर पार्वती तो जिद पर अड़ी हुई थी, मुझे तो लट सुलझाना। कभी कभी कोई कोई बात ऐसी होती है जो पति अपनी पत्नी को नहीं बताता, पर पत्नी भी कभी कभी जिद पकड़कर बैठती है कि मुझे वो बात जरूर बताओ जो तुम्हारी मम्मी ने तुमसे कही, तुम्हें बताना पड़ेगा, तुम्हें कहना पड़ेगा। दशरथ जी की सास किनकी सास? जम के बोलो जरा। दशरथ जी की सास माता केकई की मां और केकई के पिता केकई नरेश को भगवान शिव का एक वर था। केकई के पिताजी को शंकर जी का दिया हुआ एक वर था कि तुम पशु पक्षी जानवर की आवाज सुन सकते हो, समझ सकते हो और जान सकते हो। पक्षी आपस में क्या बात कर रहे हैं यह आप जान सकते हो, पशु आपस में क्या बात कर रहे हैं यह आप जान सकते हो। दशरथ जी के ससुर को
शंकर जी का वर था। कह कह नरेश, अब कह कह नरेश को तो ये वर था कि आपको ये वर है कि आप पक्षी की आवाज पहचान सकते हो, पशु की आवाज पहचान सकते हो, जानवर की आवाज पहचान सकते हो, क्या बोल रहा है आप समझ सकते हो। पर केकई नरेश, तुम्हें हमने वर दिया है कि तुम पक्षी की आवाज पहचान जाओगे, पर तुम याद रखना जिस दिन तुमने पक्षी क्या बात कर रहे हैं, पशु क्या बात कर रहे हैं, जानवर क्या बात कर रहे हैं, इस बात को किसी दूसरे को बता दिया तो उसी क्षण तुम्हारे प्राण छूट जाएंगे, उसी क्षण तुम्हें मरना पड़ेगा, उसी क्षण तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। केकई नरेश ने कहा ठीक है भोलेनाथ, आप मुझे वर दे दो, मैं पशु पक्षी की आवाज पहचान जाऊंगा। वर दिया तथास्तु। अब एक बार केकई नरेश अपने छत पर घूम रहे थे, उसी समय पर दो पक्षी एक डाली पर बैठे थे और दोनों आपस में बात कर रहे थे। दो पक्षी आपस में बात कर रहे हैं और दोनों पक्षी जब आपस में बात करे तो केकई नरेश को हंसी आ गई। इतनी तेज हंसी केकई नरेश को आई, ऐसी तेज हंसी केकई नरेश को आई कि केकई नरेश हंसते रहे। इतने में केकई की मां केकई नरेश की पत्नी वहां पर आ गई और धर्म पत्नी ने आते से पूछा क्यों हंस रहे हो। केकई नरेश बोले मैं बता नहीं सकता। पत्नी ने फिर पति से कहा, केकई की मां ने फिर अपने पति से कहा तुम बताओ मुझको क्यों हंस रहे हो। केकई नरेश बोले मैं नहीं बता सकता। पत्नी ने जिद पकड़ ली, केकई की माता ने जिद पकड़ ली, तुम्हें बताना पड़ेगा। केकई नरेश मना कर 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 थक गए पर केकई की मां नहीं मानी। आखिरी में केकई नरेश ने कहा यदि मैं तुझे बता दूंगा तो मैं मर जाऊंगा। इतने में केकई की माता ने कहा भले मर जाओ पर मुझे बताओ, भले मर जाओ पर मुझे बताओ। इतना जिद केकई नरेश की धर्म पत्नी माता केकई की मां ने ऐसी जिद पकड़ ली। आखिरी में केकई नरेश ने बताया कि ये दो पक्षी जो आपस में बात कर रहे हैं ये बात ऐसी कर रहे हैं कि आज एक बोला कि मैं दिन भर से उड़ा और उड़ने के बाद मैं एक शिवालय पर जाकर बैठ गया और दूसरा बोलता है कि मैं दिन भर से उड़ा और एक सूखे पेड़ पर जाकर बैठ गया। दोनों की बात विवाद हो रहे थे, उस बात विवाद को मैं सुनकर हंस दिया। इतना कहते से केकई के पिता के प्राण छूट गए। शिव महापुराण की कथा कहती है माना नारी जिद करे पर वो जिद ना करे जिसमें पति के प्राण ही चले जाए। सोने के हाथ के कड़े लेना है मना नहीं है, पर ध्यान रखना इस बात का है। जैसे कल माननीय सांसद महोदय श्रीमती नवनीत जी राणा जी ने एक बात कही थी, आपके स्मरण में हो, उन्होंने क्या कहा था, पति महल में भी रह रहा है तो स्त्री उसके साथ में उसकी पत्नी है, पति झोपड़े में भी रह रहा है तो उसकी धर्म पत्नी उसके साथ में है, पति ऐसी में रह रहा है तो धर्म पत्नी उसका साथ है, और पति अगर पंखे में भी रह रहा है, फैन में भी रह रहा है तो धर्म पत्नी उसके साथ है। अर्थात कल उन्होंने जो कहा एक एक नारी के हृदय में यह बात पहुंचना चाहिए। जब ये कल सांसद महोदय इतनी सारी बातें कर रही थी तो हमको तो खुद डर लग रहा था कि अगली बार कथा हमारी होगी कि इनकी होगी, इतनी सुंदर सुंदर बातें ये कहां कहां से बटोर के लाती है ये समझ में नहीं आता। पर हम तो कहते हैं ये गॉड गिफ्ट है, शंकर जी की कुछ कृपा आप पर बनी है और आप, हम तो कहेंगे स्वयं अशोक सुंदरी के रूप में शिव की बेटी के रूप में आप हो तो वो भगवान शिव ही आपको दे देते हैं। आपको भले दुनिया के लोग नवनीत जी राणा कहें पर हमारी दृष्टि में तो आप शंकर की बेटी अशोक सुंदरी ही हो, ये शिव की कृपा है।
अच्छे संवाद, अच्छी बात, अच्छे शब्द स्वयं शिव देता है। आप जो शब्द कह रहे हो वो शंकर देता है, शंकर के सिवा कोई नहीं दे सकता। एक संत भी अगर कोई अपनी वाणी से कुछ कह रहा है तो वो शिव ही उससे कहलवा रहा है। उन्होंने कल कहा कि स्त्री गरीबी में भी और अमीरे में भी अपने पति का साथ कभी नहीं छोड़ती, कभी एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ती। वो एक स्त्री होती है, एक नारी होती है, जिद पकड़ो मना नहीं है। जिद पकड़ने में मना नहीं है। एक बच्ची ने पत्र लिखा कि मेरी भी जिद थी। देखिए, मेरा नाम पलक जोशी है, मैं बलगांव की रहने वाली हूं, मैं 11 साल की हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। पलक जोशी, मैं 11 साल की हूं, आप मेरा पत्र जरूर पढ़ना, कसम है शंकर जी। गुरुदेव, सबने सब कुछ किया। मेरी मम्मी को लोग हमेशा कहते थे कि तेरे घर में लड़की पैदा हुई है, लड़का नहीं है। डॉक्टरों के हिसाब से मेरी मम्मी को दूसरी संतान का योग नहीं था, दूसरी बार वो मां नहीं बन सकती थी, कुछ उनको ऐसी तकलीफ थी। एक दिन मैंने मेरी मम्मी से पूछा, मां कौन डॉक्टर कहता है कि मेरा भैया नहीं आएगा, मेरा भाई नहीं आएगा। माँ ने कहा कि एक डॉक्टर ने कहा है एक हॉस्पिटल में। गुरुदेव, मैंने भी शंकर जी से कहा मेरा भाई आना चाहिए, 11 साल की भले मैं हूं, मेरी माता को संतान नहीं हो सकती, पर मुझे मेरा भाई चाहिए। और भाई भी वहीं से चाहिए, मेरा भाई भी होए तो उस हॉस्पिटल में हो जिस हॉस्पिटल के डॉक्टर ने उनको मना करा कि इसको संतान नहीं हो सकता। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं, मेरे शिव ने कृपा करी और 11 साल के बाद मेरे यहां मेरा भाई आया और उसी डॉक्टर के यहां उसी हॉस्पिटल में मेरी मम्मी के गर्भ से मेरे भाई का जन्म हुआ। ये शिव ओघड़ी है, शंकर ओघड़ी है। पलक जोशी बलगांव की रहने वाली। शिव तत्व में जब जब हम कोई जिद पकड़ते हैं, आप पकड़ो भगवान की भक्ति कीजिए, पूर्ण वो करेगा। पर मेरा माताओं से निवेदन है, कभी ऐसी जिद मत पकड़ना जिंदगी में कि नहीं मुझे तो सोने की रकम लाके दो, नहीं मुझे तो तुमसे तलाक चाहिए, मतलब चाहिए, ना ना, थोड़ा समझो, जानो, थोड़ा संभल कर चलने का प्रयास करो। थोड़ा संभल कर चलने का प्रयास। कल एक पत्र था, कल दो एक पत्र बड़े सुंदर सुंदर आए थे। अब हमारे को टाइम इतना है नहीं कि हम पत्रों को निकाल सके। पर एक पत्र बड़ा कल आया था कि एक लड़के ने पत्र लिखा था कि मुझे सोरेसिस की बीमारी हो गई थी। अगर वो लड़का यहां बैठा हो तो हाथ हिला सकता है, कहीं चांदूर बाजार का वो लड़का है, चांदूर बाजार यहां से पास में होना चाहिए शायद, तो चांदूर बाजार का वो लड़का है, उसका नाम तो हमारे स्मरण में नहीं। उसने लिखा कि मेरे शरीर पर सोरेसिस की बीमारी हो गई थी, मेरे शरीर की पूरी फुकड़ियां निकलती थी, पूरी खाल निकलती थी शरीर की। मेरी शादी हो गई उसके बाद यह बीमारी हुई, और बीमारी होने के बाद में ये योग बन गया कि मेरे साथ में मेरी अर्धांगनी भी मेरे साथ रहना नहीं चाहती थी। दो एक पत्र बड़े सुंदर आए कल, दो पत्रों में एक पत्र तो ये चांदूर बाजार के लड़के का था और एक पत्र एक महिला ने लिखा था माननीय सांसद जी और विधायक जी के लिए, पत्र वो भी बड़ा सुंदर था।
उसके शरीर में सोरेसिस की बीमारी हो गई। चांदूर बाजार का वो बच्चा, उसने कहा मेरा परिवार टूटना जा रहा था, मेरा एक छोटा सा बेटा भी है, पत्नी उसको लेकर चली गई और अपने गांव पहुंच गई और अब वो आना नहीं चाहती। उसने पत्र में लिखा, गुरुजी 4 साल से मुझे जो बीमारी थी, मैंने भी शंकर के चरणारविंद का स्मरण करा, शिवजी को बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ करा और जल पीना प्रारंभ करा, शंकर जी के मंदिर में झाड़ू पोछा लगा देता, उसी झाड़ू पोछे को लगाकर पोछे को धो लेता, पोछा पूरा साफ हो जाता, उसी पोछे के पानी में बाल्टी में डालकर मंदिर के बाहर ही मैं स्नान कर लेता। मैंने भी सोच लिया था शंकर जी आपका पूरा परिवार है तो मेरा परिवार कैसे टूटने दोगे, मेरे परिवार को वापिस लाना आपकी जवाबदारी। उस पत्र में उस बेटे ने लिखा, 3 महीने की आप कहते हो गुरुजी, मैंने 1.5 महीने बाबा की सेवा करी और 1.5 महीने में मेरी सोरेसिस की बीमारी गई और मेरी पत्नी और मेरा बच्चा मेरे साथ में आया। 1-2 पत्र बड़े सुंदर, जो लिखने वाले पत्र लिखते हैं बड़े बड़ी, उन्होंने बहुत सुना होता है। एक पत्र और है।